अगेन यू आर वेलकम ऑन टीम सुपर क्लस्टर. जैसा कि आप लोग सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के लिए लगातार स्टार्ट कर दिए हैं पढ़ना, आप लोगों को मैंने एक वीडियो अभी दिखाया हुआ था डिफरेंशियल इक्वेशन पे, तो मैंने उसमें आप लोगों को पढ़ाया डिफरेंशियल इक्वेशन का आर्डर एंड डिग्री, इंट्रोडक्शन दिया था और फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. तो उसी कड़ी में फिर आगे मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. और एक वीडियो आपका 1.5 आवर का था, इस 1.5 आवर के बाद आपका 6 मार्क्स फिक्स हो जाएगा, आपको कहीं से और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी. नाउ लेट्स स्टार्ट फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. मैंने आप लोगों को बताया था कि डिफरेंशियल इक्वेशन का जो फॉर्मेशन है आपके सिलेबस में वो है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हु जनरल इक्वेशन इज गिवेन. तो जिसका जनरल इक्वेशन गिवेन है, हु जनरल इक्वेशन इज गिवेन, जिसका जनरल इक्वेशन गिवेन रहेगा उसका फॉर्मेशन आपके सिलेबस में है. जनरल इक्वेशन इज गिवेन. अब जरा देखिएगा, जनरल इक्वेशन गिवेन है तो कैसे आप जानेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कहां तक ले जाए. भाई कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसके आर्डर तक को कहां हम ले जाएं, कहां ले जाकर रुके. तो मैंने आप लोगों को बताया था कि नंबर ऑफ आर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन विल बी ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट प्रेजेंट इन द डिफरेंशियल इक्वेशन. मतलब नंबर ऑफ आर्डर ऑफ एनी डिफरेंशियल इक्वेशन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट. और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की बात करें तो आर्बिट्री कांस्टेंट से आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, आपको लग रहा है कि आर्बिट्री कांस्टेंट ये सर ने क्या बोल दिया. तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो पे जाइए डिफरेंशियल इक्वेशन पार्ट 1, वहां से आप देखिए आर्बिट्री कांस्टेंट क्या है. तो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में जितने नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे उतने ही नंबर ऑफ ऑर्डर होंगे उस डिफरेंशियल इक्वेशन का, उसके अलावा कुछ भी नहीं होगा. लेकिन आर्बिट्री कांस्टेंट है क्या, जो कांस्टेंट वेरिएबल भी हो सकता है, समटाइम कांस्टेंट भी हो सकता है, जो लगातार आर्बिट्रेरी का मतलब होता है मनमानी तरीके से बदलता है. जैसा कि एग्जांपल में हम आप जाएंगे इंडिफिनिट इंटीग्रेशन में, जो आपने इंटीग्रेशन सी ले रखा हुआ था कोई भी इंटीग्रेशन करने के बाद, जैसे साइन एक्स का आपने इंटीग्रेशन कर रखा था तो आपको पता है कि माइनस कॉस एक्स प्लस सी, तो ये जो सी था यही आर्बिट्री कांस्टेंट है और कुछ नहीं है. तो ये आर्बिट्री कांस्टेंट क्योंकि सी की वैल्यू कुछ भी आप ले सकते हैं. फिलहाल यहां पे हम डिस्कशन करेंगे आपसे कि नंबर ऑफ ऑर्डर और ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के इक्वल होगा तो कैसे एग्जांपल होंगे. अच्छा एक चीज और है, आर्बिट्री कांस्टेंट में आपको समझना है, कंफ्यूज नहीं होना है, देखना है कि आर्बिट्री कांस्टेंट कैसे है. इसमें जैसे मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, इसमें जो डिफरेंशियल इक्वेशन क्वेश्चन आपका रफ कर गया, एक मिनट में फिर से लिख दे रहा हूं. डिफरेंशियल इक्वेशन में जो क्वेश्चन था ये था y इज इक्वल टू ए प्लस बी ई टू द पावर एक्स प्लस सी प्लस डी ई टू द पावर एक्स प्लस एफ ई, सॉरी ये था. अब देखिए इसमें हम डिस्कशन करेंगे कि आर्बिट्रेरी, इस क्वेश्चन में आते हैं जरा, इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने हैं, हाउ मेनी आर्बिट्री कांस्टेंट इन दिस जनरल इक्वेशन. तो जरा देखिए इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अगर आपको लग रहा होगा काउंट करेंगे आप कि 1 2 3 4 5 है तो 5 नहीं है इसमें, इसमें एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट है. अब देखिए जरा कैसे होगा, क्या इस क्वेश्चन को आप लिख सकते हैं y इज इक्वल टू ए प्लस बी एज इट इज रहने दिया जाए e टू द पावर x इंटू e टू द पावर c, लिख सकते हैं प्लस d को एज इट इज रहने दिया जाए e की पावर x इंटू e की पावर e, क्या इसको इस तरीके से लिख सकते हैं. अब e की पावर x को अगर कॉमन ले लें, हम e की पावर x को अगर हम कॉमन ले लें तो यहां पर बचेगा हमारा a प्लस बी इंटू ई की पावर सी प्लस डी इंटू ई टू द पावर ई. अब जरा नोटिस करिए, गौर कीजिएगा ध्यान से, ए प्लस बी इंटू ई टू द पावर सी, ई टू द पावर सी इज अ कॉन्स्टेंट बिकॉज यू कैन से दैट वाई इज डिपेंडेंट वेरिएबल एंड एक्स इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, हेंस वी कैन से दैट ए प्लस बी इज एन आर्बिट्री कॉन्स्टेंट इंटू ई टू द पावर सी इज ऑल्सो एन आर्बिट्री कॉन्स्टेंट.
प्लस डी इंटू ई टू द पावर ई, ये कॉन्स्टेंट ये भी कॉन्स्टेंट, तो कॉन्स्टेंट इंटू कॉन्स्टेंट क्या होगा मल्टीप्लाई होके आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट, ई टू द पावर सी कॉन्स्टेंट इंटू ए प्लस बी का कॉन्स्टेंट, तो इन सारे कॉन्स्टेंट की जगह पे, इन सारे कॉन्स्टेंट की जगह पे क्या हम, इन सारे कॉन्स्टेंट की जगह पे क्या हम एक अनदर कॉन्स्टेंट के लिख सकते हैं? नाउ वी कैन राइट एट दिस प्लेस ऑफ ई टू द पावर एक्स इंटू के, तो के इज योर एग्जैक्ट आर्बिट्री कॉन्स्टेंट इन दिस जनरल इक्वेशन, तो ओनली वन आर्बिट्री कॉन्स्टेंट आया, कौन आया, के आर्बिट्री कॉन्स्टेंट है। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट द नंबर ऑफ आर्बिट्री कॉन्स्टेंट इन द गिवन जनरल इक्वेशन। जिस दिन आप आर्बिट्री कॉन्स्टेंट समझ गए उस दिन उसका फॉर्मेशन आसानी से कर पाएंगे। तो इसमें केवल केवल एक आर्बिट्री कॉन्स्टेंट है, आर्बिट्री कॉन्स्टेंट इसकी केवल एक है, तो नंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा? नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। आर्बिट्री कॉन्स्टेंट एक है तो ऑर्डर एक होगा, दैट मींस यू कैन डिफरेंशिएट ओनली वन टाइम इन डी वाई बाई डी एक्स, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू द एक्स। कैसे पता चला आपको कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स कैसे है? यहां से पता चला डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई टू द पावर एक्स ही रहेगा इन टू के। लेकिन मैंने एक बात और तुम्हें बता, आप लोगों को बताई थी कि नंबर ऑफ आर्बिट्री कॉन्स्टेंट के बराबर तो डिग्री सॉरी ऑर्डर होगा, बट आर्बिट्री कॉन्स्टेंट का डिफरेंशियल इक्वेशन में होना सही नहीं है। आर्बिट्री कॉन्स्टेंट अगर आ गया तो डिफिनेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन आपने मेरे वीडियो पुराने वीडियो में आपने देखा होगा, डिफिनेशन में आपने पढ़ा होगा कि ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल सॉरी डिफरेंशियल इक्वेशन के सोल्यूशन में कभी भी आर्बिट्री कॉन्स्टेंट नहीं होना चाहिए। अगर आर्बिट्री कॉन्स्टेंट आ गया तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, तो के को रिमूव करना पड़ेगा। के को कहां से रिमूव करेंगे आप? यहां से, तो के इज इक्वल टू लिखेंगे वाई बाई ई टू द पावर एक्स, यहां पे लाके पुट कर देंगे के की जगह पे डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू द एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स इन टू वाई बाई ई टू द पावर एक्स, ई पावर एक्स से कैंसिल, वाई को ट्रांसपोज करें, इसको शायद हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? आपको मैंने बताया था डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिखें या वाई डैश लिखें इज इक्वल टू वाई, इसको ट्रांसपोज करेंगे वाई डैश माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो, दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर हो गया? इसमें सही से नहीं दिख रहा होगा, मैं थोड़ा इसको रफ करने के बाद बता रहा हूं, ठीक है? ये चीजें हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन क्या आया, हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन आया था सॉरी हमारा डिफरेंशियल एक मिनट पेन लेना पड़ेगा y डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू द x इज इक्वल टू y e टू द पावर x डिवाइडेड बाय e टू द पावर x कैंसिल आउट, इसको y डैश लिखेंगे इज इक्वल टू y, नाउ y डैश माइनस y इज इक्वल टू जीरो, दिस इज द आवर एग्जैक्ट फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हुज जनरल इक्वेशन इज दिस। दैट्स क्लियर और नॉट क्लियर? आई होप दैट सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा। अब दूसरे वाले क्वेश्चन पे डिस्कस करें, आप क्लियर हो जाएंगे पूरी तरह से। चलिए इसको रफ कर दिया जाए, हमारा क्वेश्चन ये था, इसको रफ कर देते हैं, उसके बाद दूसरे वाले क्वेश्चन को करने के बाद क्लियर हो जाएंगे। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, अब पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, ठीक है? अब देखते हैं, फाइंड आउट द इस क्वेश्चन टू की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में आप जरा देखिए, इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर टू जो है हमारा, इसमें नंबर ऑफ आर्बिट्री कॉन्स्टेंट ए इंटू बी, क्या इसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो? नहीं कर सकते हो, इसको आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाओगे। तो इसमें नंबर ऑफ या अलग अलग नहीं कर सकते हो, नंबर ऑफ आर्बिट्री कॉन्स्टेंट कितने हैं? ए और बी दो आर्बिट्री कॉन्स्टेंट है, दैट मीन्स यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन विल बी ऑलवेज टू। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कितना होना चाहिए? टू होना चाहिए, क्योंकि आर्बिट्री कॉन्स्टेंट कितना है? दो है। लेट This is the y. Let दो है, इसका मतलब क्या करना पड़ेगा आपको? दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, किसके रिस्पेक्ट में? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है? x है। Now differentiate y with respect to the x. Differentiation of y with respect to the x, sorry, is equal to a arbitrary constant e power 2x का differentiation e power 2x ही रहेगा into 2 chain rule by chain rule plus b e to the power minus 2x रहेगा ही रहेगा, minus 2x रहेगा ही रहेगा,
into माइनस ऑफ टू, टू कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2e के पावर 2x माइनस be की पावर माइनस 2x, क्लियर। क्या इसको मैं y डैश लिख सकता हूं, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू द x, dy by dx को y डैश लिख सकते हैं आप। अब एक बार डिफरेंशिएट किया क्योंकि आप अब एक बार डिफरेंशिएट किया क्योंकि इसमें अभी एक आर्बिट्री कांस्टेंट के लिए हमने किया था, दो हैं तो दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। नाउ y डबल डैश लेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ y इन सेकंड ऑर्डर, दैट मींस दिस, क्लियर। सही से नहीं, एक बार रुक जाइए, क्लियर हो जाएगा। दिख रहा है इस कलर में? नहीं, ब्लैक, ठीक है। नाउ डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x इन सेकेंड ऑर्डर बिकॉज द आर्बिट्री कॉन्स्टेंट इन डिफरेंशियल इक्वेशन इज टू, हेंस वी हैव टू डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू द x इन सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ डिफरेंशिएटिंग अगेन टू, दिस इज टू, टू आउटसाइड हमारा रहेगा a, e टू द पावर 2x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर 2x इन टू, टू माइनस b एज इट इज रहेगा e पावर माइनस 2x का डिफरेंशिएशन e पावर माइनस 2x इन टू माइनस 2, क्लियर। अब यहां से जरा देखिए, दोनों 2 को मैंने कॉमन ले लिया तो 2 2 जा 4 हो जाएगा आपका, सॉरी ये आपका हो जाएगा 2 2 जा 4, और इन साइड में रहेगा a e टू द पावर 2x और माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस b e की पावर माइनस 2x, क्लियर। दिस इज y डबल डैश, इसको हम y डबल डैश भी लिख सकते हैं, क्लियर हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा? y डबल डैश इज इक्वल टू दिस। अब मुझे एक बात बताएं, क्या क्या ये चीज पॉसिबल है डिफरेंशियल इक्वेशन में? नहीं पॉसिबल है, क्यों? ऑर्डर तो आपने दो बार, आप बोलेंगे ऑर्डर तो दो है, दो बार आपने डिफरेंशिएट कर दिया, नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आर्बिट्री कांस्टेंट कभी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में प्रेजेंट नहीं रहना चाहिए, और ए और बी दोनों प्रेजेंट है तो क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी फ्रॉम द प्रीवियस स्टेप ऑफ डिफरेंशिएशन। प्रीवियस स्टेप जो है डिफरेंशिएशन से, यहीं से कहीं ए और बी की वैल्यू निकालेंगे, तो या ए और बी के जगह पर हम वेरिएबल के फॉर्म में डिपेंडेंट वेरिएबल एक्स वाई के टर्म्स में हम एक्सप्रेशन को भी लिख सकते हैं। तो जरा देखिए, क्या ये वाई के इक्वल है, गिवन है, तो यहां से हम क्या करेंगे, इसके जगह पे वाई रिप्लेस कर देंगे, वाई डबल डैश इज इक्वल टू 4 इनटू वाई, क्लियर हुआ, ट्रांसपोज कर देंगे। नाउ ट्रांसपोजिंग दिस, यहां पर हम सॉल्व कर दे रहे हैं। नाउ ट्रांसपोजिंग दिस, वी कैन राइट y डबल डैश इज इक्वल टू 4y, ट्रांसपोज करेंगे y डबल डैश माइनस 4y इज इक्वल टू 0, दिस इज आवर फॉर आवर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर द गिवन दिस जनरल इक्वेशन, क्लियर हो गया। इसकी डिग्री 2 हो गई, चाहे ऐसे लिखिए आप, चाहे बदल कर भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं इसके जगह पे? यही सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, मैं रफ करके यहां पर लिख रहा हूं क्योंकि इसमें जगह नहीं बचा हुआ है, तो मैं रफ करके आपको बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को मैं रफ कर दे रहा हूं। इसके जगह पे आप ऐसे भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू द एक्स इन टू टाइम्स माइनस 4 इंटू वाई इज इक्वल टू 0, दिस इज अवर डिजायर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर द क्वेश्चन y इज इक्वल टू a e टू द पावर 2x प्लस e प्लस b e टू द पावर माइनस 2x, दैट्स क्लियर। आई होप दैट आप लोगों की ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ डिस्कस अबाउट दिस क्वेश्चन अगेन। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड आउट द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द गिवन क्वेश्चन। जल्दी से करिए, आप अपने से कॉपी पेन उठाइए और इसका फॉर्मेशन करके बताइए। दो नंबर का क्वेश्चन है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इससे ज्यादा आने वाला नहीं है, दो या तीन नंबर ज्यादा नहीं आने वाला। चार मार्क्स और छह मार्क्स में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आएंगे। बहुत ही आसान चैप्टर है, लॉजिकली आप पढ़ेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। और इसके बाद अभी मैं कल
अर्ली मॉर्निंग आपको अपलोड होके मिलेगा। मैं डालने वाला हूं वीडियो पूरा का पूरा प्लेन प्लेन 6 मार्क्स का क्वेश्चन देता है 12th बोर्ड सीबीएसई एग्जामिनेशन में। ऑल इंडिया हर बोर्ड में प्लेन के क्वेश्चन आते हैं, तो मैं वेक्टर में प्लेन पर डिस्कस करने वाला हूं, उसके बाद प्रोबेबिलिटी। नाउ लेट्स काउंट द आर्बिट्री कॉन्स्टेंट। ये क्वेश्चन में शायद ए नहीं था, आपने गलत लिखा हुआ है, ध्यान दीजिए। ये क्वेश्चन में था आपका यक्स, यहां पे यक्स था, क्लियर। नाउ डिफरेंशिएट, नाउ काउंट द आर्बिट्री कॉन्स्टेंट। यक्स इज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड बी इज एन आर्बिट्री कॉन्स्टेंट, हेंस बी कैन से दैट इट इज a single arbitrary constant and A is another arbitrary constant, that means you can say that here two arbitrary constant, यहाँ पे दो arbitrary constant है, then order will be always two for this differential equation. Now differentiating y with respect to the x, we will get A into cos का differentiation minus sin x, तो minus sin x की जगह पे replace होगा x plus b, क्लियर। इन टू एक्स का डिफरेंशिएशन वन, बी का जीरो, क्लियर हो गया। नाउ नंबर आर्बिट्री कांस्टेंट कितने थे, आर्बिट्री कांस्टेंट टू थे, तो ऑर्डर विल बी टू, ऑर्डर भी क्या होने वाला है टू। नाउ अगेन डिफरेंशिएटिंग वाई विद रिस्पेक्ट टू द एक्स, दिस इज बिल माइनस ए रहेगा ही, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होगा कॉस एक्स प्लस बी, क्लियर। समझ में आ रहा है, आई होप दैट क्लियर हो रहा होगा। क्या इसको y डबल डैश लिख सकते हैं, बिल्कुल, y डबल डैश दैट मींस y इज डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू द टू टाइम्स, माइनस a रहेगा ही रहेगा, क्लियर, और साइन x cos x plus b, सॉरी a cos x plus b की जगह यहां पे डायरेक्टली देख रहा है y के बराबर है, तो सीधे सीधे आप y लिख दीजिए। क्या मतलब है इसको लिखने का, सीधे सीधे आप y लिख सकते हैं, तो ये आ गया आपका y, और नाउ ये हो गया आपका y डबल डैश माइनस y इज इक्वल टू जीरो, दिस इज योर डिफरेंशियल इक्वेशन। समझ में आ गया, क्लियर, क्लियर आर नॉट क्लियर, क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अच्छा एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, मैंने बताया भी था प्रीवियस वीडियो में, एक्चुअल में डिफरेंशियल इक्वेशन की फिजिकल मीनिंग क्या है, फिजिकल इंटरप्रिटेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन जो होता है ये किसी भी कर्व की ऑल फैमिली ऑफ कर्व देता है, किसी भी कर्व की उस फैमिली से बिलोंग करने वाले गिवन स्टेटमेंट के लिए जितने भी इनफाइनाइट टाइम्स करवाएंगे सबके लिए एक ही डिफरेंशियल इक्वेशन देता है। मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन इज अ कॉमन डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर द फैमिली ऑफ अ कर्व, किसी भी कर्व के लिए एक कॉमन डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। लेट्स सपोज अ सर्कल हुज सेंटर इज लाई ऑन ओरिजिन, हमने ले लिया है एक सर्कल लिया जिसका सेंटर लाई ऑन किस पर लाई कर रहा है, ओरिजिन पे, एंड रेडियस इज आर, पासेस थ्रू द पॉइंट पी हुज कोऑर्डिनेट इज एक्स कॉमा वाई। देन आपने 11th पढ़ रखा होगा इक्वेशन ऑफ द सर्कल इज दिस, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। सर्कल किस पर डिपेंड कर रहा है, आर पर डिपेंड कर रहा है। आर क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल, आर के इंक्रीज करने से सर्कल के इक्वेशन में वैल्यू बदल जाएगी, आर के डिक्रीज करने पे सर्कल के इक्वेशन में भी वैल्यू में चेंज जाएंगे। दैट मींस यू कैन से दैट आर इज एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट या सर्कल इज डिपेंडेंट ऑन आर, ठीक। तो यहां पे आर्बिट्ररी कांस्टेंट काउंट करके देखा हमने, एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन विल बी ऑलवेज वन। तो यहां पे हो जाएगा, चलिए एक बार ऑर्डर वन होगा तो एक बार डिफरेंशिएट करें किसको, y को विद रिस्पेक्ट टू द x, तो 2x plus y का हो जाएगा 2y, और y डिपेंडेंट वेरिएबल है तो डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू द x होगा इज इक्वल टू r का जीरो हो जाएगा। बस कुछ नहीं करना है, 2 को कॉमन ले लिया तो यहां पे लिखेंगे x plus y, और dy by dx इज इक्वल टू जीरो, कॉमन लेके डिवाइड कर दिया तो ये हो गया जीरो। समझ में आ गया। नाउ अगर हम इसको ट्रांसपोज करेंगे तो ये हो जाएगा y डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू द x इज इक्वल टू माइनस x। नाउ इसको हम
डिवाइड कर देंगे डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू द एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स बाई वाई. क्लियर? ट्रांसपोज कर लीजिए इसको, वाई डैश भी लिख सकते हैं आप, माइनस माइनस प्लस एक्स बाई वाई इज इक्वल टू जीरो करें चाहे यहीं पे छोड़ दें, यही हमारा क्या हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया. समझ में आया? नेक्स्ट पेज में चलते हैं, इसका डिफरेंशियल इक्वेशन देखते हैं. डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स हुज मेजर एक्सिस इज ए कामा जीरो एंड माइनस ए कामा जीरो एंड माइनर एक्सिस इज जीरो कामा बी एंड जीरो कामा माइनस बी, तो इसका क्या होगा डिफरेंशियल इक्वेशन? तो कमेंट करिए और कमेंट करके मुझे आंसर बताइए इसका. मैं कुछ हद तक सॉल्व कर दे रहा हूं, बड़ा आसान है क्योंकि नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट ए और बी है, दो हैं, तो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन टू हो जाएगा. नाउ डिफरेंशिएटिंग वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स इन टू टाइम्स, आप बोलोगे टू एक्स डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर. क्लियर हुआ? प्लस वन बाई बी स्क्वायर रहेगा ही रहेगा, y का हो जाएगा 2i into differentiation of y with respect to the x is equal to 0. क्लियर हुआ? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? लेकिन आर्बिट्री कांस्टेंट a और b नहीं रहना चाहिए, और दो हैं तो दो बार इनका क्या होगा, दो बार डिफरेंशिएशन होगा, दो बार ऑर्डर इनके ऑर्डर 2 होंगे. चलिए हम 2 कॉमन लेकर डिवाइड कर सकते हैं, कैलकुलेशन कम कर सकते हैं, तो x by a स्क्वायर प्लस y by b स्क्वायर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट द एक्स विल बी जीरो, ये जीरो के इक्वल होगा. अब इसको सपोज कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1. नाउ डिफरेंशिएटिंग इट अगेन बिकॉज द ऑर्बिटरी कांस्टेंट इज 2, तो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन विल बी 2 होगा. इसको अगेन मैं यहां पे आपको सफिशियंट नंबर ऑफ क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवा दूंगा, आपको घर पर प्रैक्टिस करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, सारे क्वेश्चन यहाँ आपको लगभग अप्रॉक्सीमेट मिल जाएंगे. अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा 1 बाई ए स्क्वायर प्लस y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, सॉरी इसमें लग जाएगा प्रोडक्ट रूल, इसमें लग जाएगा प्रोडक्ट रूल क्योंकि दो फंक्शन है, इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ ब्लैक. चलिए इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस होल With respect to y, with respect to the x is equal to 0. Next page पे चलते हैं, page number 5 था, ठीक है? यहाँ पर देखिए क्या था, एक मिनट, कहाँ पर थे हम? 1 by a square plus differentiation of y with respect to the x y into is equal to कहाँ पर थे? इज इक्वल टू वाई बाई बी स्क्वायर था, सॉरी वाई बाई बी स्क्वायर एक कॉन्स्टेंट था, ठीक है, और वाई बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो. अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आएगा, और डिफ्रेंशिएशन करेंगे 1 by a square रहेगा ही रहेगा, और इसको जैसे ही हम ओपन करेंगे ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन. दो फंक्शन है, एक y है और एक dy by dx है. चूंकि y जो है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है इसलिए प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा. नाउ अप्लाइड प्रोडक्ट रूल, तो 1 by b square को बाहर कर ले, कांस्टेंट है फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो dy by d का अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन हो, प्लस सेकंड फंक्शन dy by dx इनटू y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 आएगा. दैट्स क्लियर आर नॉट क्लियर? फर्स्ट प्रोडक्ट रूल लगाया, फर्स्ट फंक्शन इसको सपोज किया, सेकंड फंक्शन इसको, तो फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इज इक्वल टू द जीरो. क्लियर? नाउ 1 by a square प्लस 1 by b square, अगेन इसको क्या मैं वाई इंटू वाई डबल डैश लिख सकता हूं, लिखा जा सकता है क्या? और इसको भी y डैश लिखा जा सकता है इज इक्वल टू जीरो. क्या दो बार डिफरेंशिएट होने के बाद ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है? नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट आ गया है और आर्बिट्री कांस्टेंट डिफरेंशियल इक्वेशन में नहीं रहता, तो इसको रिमूव करना है. रिमूव करते हैं भाई, ट्रांसपोज करते हैं, ये 1 by b square रहेगा एज इट इज, वाई इंटू वाई डबल डैश प्लस वाई डैश इज इक्वल टू माइनस 1 by a square. इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये बी जो है क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हमारा ये बी जो है यहाँ पहुंच जाएगा और ये हो जाएगा
1 by b की जगह ये हो जाएगा, अरे देखिए सर ये हैंग कर गया, b square, clear, minus b square by a square. अब भी ये differential equation नहीं क्योंकि arbitrary constant आया है, तो back, मैंने क्या कहा, arbitrary constant को remove करिए with the help of previous statement या previous equation, previous expression. तो previous expression equation पे पहुंचते हैं, हमारा क्या था, यहां से a square b square की value हम निकालेंगे, कहां से, equation number 1 से. क्लियर हो गया, तो इक्वेशन नंबर 1 हमारा क्या है, फ्रॉम इक्वेशन 1 ये हमारा है इक्वेशन नंबर 1, अगेन एक और पेज लेना पड़ेगा, इक्वेशन नंबर 1 है हमारा x स्क्वायर बाय, सॉरी इक्वेशन नंबर 1 जो है इसको देखना पड़ेगा एक बार, x बाय a स्क्वायर प्लस y बाय b स्क्वायर * dy बाय dx. हां तो x बाय, एक मिनट इसको रिमूव करते हैं, ठीक है नाउ ब्लैक कलर, x by a square plus y by b square into dy by dx is equal to 0 था, a square by b square minus b square by a square की वैल्यू निकालनी, तो इसको जरा ट्रांसपोज करेंगे तो आ जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 1 y by b square dy by dx is equal to minus x by a square. क्लियर, b स्क्वायर को यहां मल्टीप्लाई करेंगे, x को यहां लाएंगे, एक तरफ कर रहे हैं, तो y by x हो गया, y dy by dx हो गया is equal to minus b स्क्वायर by a स्क्वायर, यही तो प्रॉब्लम खड़ी कर रहा था, minus b स्क्वायर by a स्क्वायर, इसी की वैल्यू क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू द x into d, y by x, इसको मान ले इक्वेशन थर्ड, पुट द वैल्यू ऑफ minus b स्क्वायर by a स्क्वायर फ्रॉम द इक्वेशन 13 इक्वेशन 2, we will get the value, क्या होगा हमारा equation third, y by x dy by dx equation 6 में आ जाए, तो यहाँ पे इसके जगह पर replace कर सकते हैं y into y double dash plus y dash is equal to y by x into dy by dx, या dy by dx को आप क्या लिख सकते हो, y dash लिख सकते हो, तो इसके जगह पर remove करो इसको और y dash लिख दो, इसको remove किया और y dash लिखा, तो ये आ गया आपका y dash. Now transposing this, we will get the differential equation of an ellipse. मैंने complete कर दिया इस question को. I hope that कि आपको formation of differential equation 100% clearly समझ में आ गया होगा. उम्मीद करता हूँ कि आप पूरी तरह से कर पाओगे. अब मैं question इस पर नहीं कराऊँगा. आगे बढ़ूँगा. हो सकता है कि आप एक आ question और अच्छा चलिए देख लेते हैं. पेज नंबर 7, पेज नंबर 8, 9, नहीं ठीक है बस करता हूं मैं, तो फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है अब हम डिस्कस करते हैं सॉल्विंग ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. आपने देखा कि जनरल इक्वेशन गिवन, देखिए पूरे चैप्टर में आपको बस दो तीन चीजें पढ़नी है, उसकी डेफिनेशन, ऑर्डर एंड डिग्री, उसके बाद आपको पढ़ना है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना, हु जनरल इक्वेशन इज गिवन, उसके बाद आपको पढ़ना है फॉर्मेशन ऑफ जनरल इक्वेशन, यानी जिसका डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है उसका जनरल इक्वेशन निकालना, दैट्स क्लियर. लेकिन एक चीज और ध्यान दीजिएगा, अब आर्बिट्री कांस्टेंट आएगा, क्यों, क्योंकि आर्बिट्री कांस्टेंट वहां पर आप रिमूव करते थे तो डिफरेंशियल इक्वेशन पहुंचते थे, अब डिफरेंशियल इक्वेशन से आपको आर्बिट्री कांस्टेंट जनरल इक्वेशन पहुंचेंगे तो आपको आर्बिट्री कांस्टेंट मिलेगा, जिसका डिफरेंशिएशन जीरो हुआ रहता है, जो आर्बिट्री कांस्टेंट रिमूव हुआ रहता है वो आने वाला है. तो ध्यान दीजिएगा सॉल्विंग ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन यही लास्ट टॉपिक है, ये तीन तरीके का है और आपके सिलेबस में बस यही है. पहला मेथड जो होता है वो है सॉल्विंग ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन रहेगा इससे आप जनरल इक्वेशन बनाएंगे, और पहले वाला आपने क्या देखा, जनरल इक्वेशन गिवन था वहां से आप डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे. क्लियर हुआ, तो अब बस पूरे के पूरे चैप्टर में जनरल इक्वेशन से डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन जनरल इक्वेशन, यही बनाना. तो देखिए कितने मेथड है सॉल्विंग ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में. पहला है आपका वेरिएबल सेपरेबल मेथड, क्लियर. दूसरा मेथड जो है आपका, दूसरा है अलग होमोजीनियस फंक्शन के लिए है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, इसके 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं होमोजीनियस के. और तीसरा है आपके सिलेबस में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन,
तीन टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तीनों मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पढ़ाता हूं। इससे चार या सिक्स मार्क्स के क्वेश्चन बनेंगे। मोस्ट प्रोबेबली लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आता है, होमोजीनियस के क्वेश्चन एक दो गिने चुने कभी कभार आ जाते हैं, फोर मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। वेरिएबल सेपरेबल के भी क्वेश्चन फोर मार्कर क्वेश्चन होते हैं। सिक्स मार्क्स का क्वेश्चन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से अगर आया बाय द वे मिल सकता है आपको। क्लियर हुआ? नाउ वेरिएबल सेपरेबल मेथड है क्या, ध्यान दीजिएगा। वेरिएबल सेपरेबल मेथड क्या है, कोई भी फंक्शन, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन अगर फॉर्म में है, एक्स और वाई के फॉर्म में है, मतलब जिसमें एक्स और वाई दोनों है, फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई दोनों है, ठीक है, तो वेरिएबल सेपरेबल, जैसा कि इसके नाम से लग रहा है, वेरिएबल सेपरेबल का मतलब अलग अलग करना, ठीक है, अलग अलग करना। तो कैसे अलग करेंगे, वेरिएबल सेपरेबल मेथड करना क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन, इस डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन रहेगा उससे जनरल इक्वेशन बनाना, यही सॉल्यूशन है हमारा वेरिएबल सेपरेबल मेथड का। लेकिन कैसे करेंगे, किसमें अप्लीकेबल होगा, तो मेरी बात कान खोल कर सुन लीजिए। द डिफरेंशियल इक्वेशन विच कैन बी टर्मिनेट या विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ एच एक्स एंड जी वाई, मेरा मतलब समझिएगा, एच एक्स और जी वाई का मतलब, ये जी जो है फंक्शन ऑफ वाई है, एच एक्स फंक्शन ऑफ एक्स है, मतलब एक्स और वाई के टर्म में अलग अलग किया जा सके, यानी एक्स और वाई को अगर आप अलग अलग नहीं कर पाएंगे तो इसमें वेरिएबल सेपरेबल मेथड आप लगा अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, वेरिएबल सेपरेबल मेथड यानी द डिफरेंशियल इक्वेशन विच कैन बी एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ एच एक्स एंड जी वाई कैन बी एप्लीकेबल वेरिएबल सेपरेबल मेथड, उसमें वेरिएबल सेपरेबल मेथड एप्लीकेबल होगा। तो इसको अगर इस तरीके से लिखा जा सकता है, तो मैं लिख दे रहा हूं, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एच एक्स, मतलब फंक्शन ऑफ एक्स इन टू फंक्शन ऑफ वाई, ना इसको बैरिएट और सेपरेट कर दें, यानी वाई को एक तरफ कर दें और एक्स को एक तरफ कर दें, तो एक्स को एक तरफ करने पर हमें ये मिलेगा, इसको डिवाइड कर दें, सॉरी यहाँ पे जी वाई को डिवाइड कर देंगे, तो डी वाई बाई डी, सॉरी ये क्या है हमारा जी, सॉरी ये क्या था, रबर, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस जी वाई को यहाँ पे क्रॉस करा देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, जी वाई इज इक्वल टू एच एक्स को एज इट इज रहने दें, डी एक्स को यहां मल्टीप्लाई करें। अब क्या करेंगे, हमको क्या करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनाते थे, जितने नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट थे उतनी बार डिफरेंशिएट करके उतना ऑर्डर होता था, तो उसका रिवर्स प्रोसीजर करना, उल्टा करना है, यानी जितनी बार डिफरेंशिएट हुआ उतनी बार इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ऑब्वियसली समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, जितनी बार डिफरेंशिएट आपने किया है, डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है, उतनी बार आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। दिस इज द एंटी डेरिवेटिव, आप जानते हैं इंटीग्रेशन क्या होता है, एंटी डेरिवेटिव, एंटी प्रोसीजर ऑफ डिफरेंशिएशन। तो क्या करना है, एंटी डेरिवेटिव, दैट मींस यू कैन से दैट इंटीग्रेशन, तो एंटी डेरिवेटिव ले लीजिए, इंटीग्रेट कर दीजिए बोथ साइड, समझ में आया। तो आप इंटीग्रेट करेंगे तो मुझे लगता है यहाँ पे लॉग जी वाई आ जाएगा, लॉग जी वाई आ जाएगा इज इक्वल टू जो भी होगा इंटीग्रेशन ऑफ एच एक्स डी एक्स प्लस एन आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट सी। दिस इज द मेथड ऑफ सॉल्विंग ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन नोन एज, दिस मेथड ऑफ सॉल्विंग ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज नोन एज वेरिएबल सेपरेबल मेथड। समझ में आया, करना क्या है, उसी में वेरिएबल सेपरेबल मेथड एप्लीकेबल होगा, जिसमें एक्स और वाई के टर्म को अलग अलग किया जा सकता है। एक्स को एक्स की तरफ करिए, डी एक्स की तरफ, वाई को डी वाई की तरफ करिए, और इंटीग्रेटिंग बोथ साइड गेट द सोल्यूशन, आपको सोल्यूशन आसानी से मिल जाएगा। समझ में आया, फिर से सुन लीजिए और समझ लीजिए, हमने क्या किया कि ये फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई दोनों था, फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई दोनों था, तो क्या किया गया, एक्स को अलग किया गया, वाई को अलग किया गया, इस एक्स को यहाँ, वाई को इसके साथ डी वाई के साथ लाया गया, एच एक्स को डी एक्स के साथ लाया गया, और उसके बाद इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, आंसर विल बी जनरल सोल्यूशन। दैट्स क्लियर, नॉट क्लियर, क्लियर हो गया, समझ में आ गया होगा, अभी क्वेश्चन से आप समझ जाओगे। लेट्स इन क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है, सॉल्व क्वेश्चन है आपका, सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन, सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन निकालना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ध्यान दीजिए, ये y और x स्क्वायर है, क्लियर हुआ गा?
क्या हम इसको अलग अलग कर सकते हैं, x को dx की तरफ y को dy की तरफ कर सकते हैं? चलिए स्टार्ट करते हैं। हो सकता है यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो आ जाएगा आपका dy by 1 plus y square is equal to dx upon 1 minus x square। क्लियर हो गया, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड प्लस c तो आएगा, ये आएगा आपका, ध्यान दीजिएगा, क्लियर है क्या, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। अब हम इंटीग्रेट करेंगे, आप मुझे एक बात बताइए ये किसका इंटीग्रेशन है, ये वन अपॉन, सॉरी किसका डिफरेंशिएशन है, वन अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर डी वाई, दैट मीन्स ये हमें लगता है डिफरेंशिएशन ऑफ टेन इनवर्स एक्स का है, ये डिफरेंशिएशन टेन इनवर्स एक्स का है, इसका मतलब टेन इनवर्स वाई होगा। चलिए यहां पर देखिए, आपको मैं फार्मूला बता रहा हूं, डिफरेंशिएशन ऑफ टेन इनवर्स एक्स is equal to the 1 upon 1 plus x square, here the dependent independent variable is x and here the independent variable is y, that means you can that the different integration is tan inverse y, clear, is equal to ye, sorry plus hai, aur ye ho jayega is equal to tan inverse x plus c, clear ho gaya, transpose is the kar dijiye aap, tan inverse y minus tan inverse x is equal to c, this is your exact general solution of given differential equation, clear ho gaya, ek aur question aur lete hain, samajh mein aa jayega aapko, find the equation of, dekhiye question maine likh rakha hua hai aur cbse exam mein aa chuka bhi hai aur jee mains ke exam mein bhi aa chuka hai aur ncrt ka bhi question raha hai ye, dhyan dijiyega isko, ye repeated question hai, isme kya de rakha hua hai, find the equation of curve passing through point 1, 1 and whose differential equation is x dy by dy is equal to 2x square plus 1 dx where x does not equal to 0, इस बात को समझिएगा, उसने क्या दिया है कि ऐसे differential equation को निकाल solution निकालना है जो ये है और 1, 1 से पास कर रहा है, तो 1, 1 से पास करने का मतलब उसने क्यों दे रखा है, इस बात को आप समझ लीजिए, जब डिफरेंशियल इक्वेशन में इसकी जरूरत पड़ती नहीं थी, तो डिफरेंशियल इक्वेशन को जब आप सॉल्व कर लेंगे तो सॉल्व करने के बाद जो आर्बिट्री कांस्टेंट आएगा उसकी वैल्यू निकालने के लिए इसने दे रखा है 1, 1, इसका मतलब आप x की जगह पे पासेस 1, 1, इसका मतलब जो जनरल सॉल्यूशन आएगा उसमें x की जगह 1 रखेंगे, y की जगह 1 रखेंगे, तो वहां से आर्बिट्री कांस्टेंट c आ जाएगा, उसी की वैल्यू निकालनी है, फिर पुट कर देंगे, हमें एग्जैक्ट जनरल सॉल्यूशन मिल जाएगा, उस कर्व का इक्वेशन मिल जाएगा, मतलब एग्जैक्ट जनरल इक्वेशन ऑफ द गिवन कर्व विल बी नो आर्बिट्री कॉन्स्टेंट, उसके पास आर्बिट्री कॉन्स्टेंट नहीं रहना चाहिए, इसी कंडीशन को रिमूव करने के लिए 1, 1 से पास करने वाली कंडीशन दी गई। चलिए तो अब डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है हमारा, हमसे मैं सोल्यूशन लिख रहा हूं, डिफरेंशियल इक्वेशन है x dy इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 1 इनटू dx, ठीक है, और x 0 के इक्वल नहीं है तो y को एक तरफ करना है, यहां पे y कहीं नहीं है क्या, चलिए कोई बात नहीं, तो और आसान है, y नहीं रख, y को एक तरफ करिए, x को एक तरफ करिए, बड़ी आसानी से हो जाएगा, यहां पे x को डिवाइड कर दीजिए, dy is equal to 2x square plus 1 upon x into dx, variable separable method तो आसानी से अप्लाई हो गया, इसको बताने की जरूरत नहीं आपको, अब एक काम करिए और इंटीग्रेशन आसान बनाने के लिए मैं नेक्स्ट स्टेप पे चल रहा हूं, क्या करेंगे इसको ध्यान से समझिएगा, मैं क्या करने वाला हूं, इसको dy रहने ही दूंगा, ठीक है, और इसको पार्शियल फ्रैक्शन करूंगा, तो 2x square divided by x plus 1 by x into whole card dx, x से x कैंसिल आउट, यहां पे 1 by x का आप इंटीग्रेशन कर लोगे, log x हो जाएगा, चलिए मैं कंप्लीट कर दे रहा हूं, यहां पे आपका आ जाएगा dy इज इक्वल टू क्या था क्वेश्चन, एक मिनट, 2x, क्लियर हो गया, यहां पे कैंसिल आउट होने के बाद बचेगा 2x plus 1 by x और ये dx, अब क्या करना है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वेरिएबल सेपरेटर मेथड से, इधर कांस्टेंट c लिख दिया तो यहां पे आ जाएगा आपका y, भाई क्या होगा 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, y जो कांस्टेंट है 1, 1 यहां पे 1 था, 1 का इंटीग्रेशन जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा वही होगा इज इक्वल टू 2x, अलग-अलग भी आप कर सकते हैं, 2x into dx का इंटीग्रेशन प्लस 1 by x dx का इंटीग्रेशन प्लस c, क्लियर, यहां पे हो गया y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर बाय 2, इंटीग्रेशन में आया आपका 1 by x का हो गया log x
plus half c. This is your final solution of differential equation, sorry, general solution, sorry, हाँ एक चीज और है, y minus x square is equal to, यहाँ पर उसने एक चीज और दे रखी है ना, कि y कमा y से पास कर रहा है, minus, minus log x, इसको ट्रांसपोज कर दिया, और is equal to c रह गया, क्या दिया है, कि ये जो कर्व का इक्वेशन है, a 1 कमा 1 से पास कर रहा है यहां पे लिखा है बिकॉज इट पासेस थ्रू कहां से पास कर रहा है पासेस थ्रू 1 कमा 1 हेंस इट कैन बी सेटिस्फाई ये 1 कमा 1 से पास कर रहा है इसका मतलब ये सेटिस्फाई भी करेगा यानी x की वैल्यू 1 पुट करें और y की वैल्यू 1 पुट करें तो इसको सेटिस्फाई करेगा नाउ पुट करें इसकी वैल्यू 1 -1 माइनस लॉग वन की वैल्यू तो जीरो कहानी खत्म हो गई वन से वन कैंसिल ये जीरो तो सी इज इक्वल टू जीरो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ सी इज इक्वल टू जीरो नाउ पुट सी लॉग वन की वैल्यू तो आप लोग जानते हैं जीरो होगा नाउ पुट सी इज इक्वल टू जीरो अवर फाइनल जनरल इक्वेशन इस दूसरे कलर से मैं लिख दे रहा हूं ब्लू से ये हो जाएगा क्या वाई माइनस एक्स स्क्वायर माइनस लॉग एक्स is equal to zero क्योंकि c हमारा क्या है zero हो I hope that सारे स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा वेरिएबल सेपरेबल मेथड आसानी से देख रहे हो आप कुछ नहीं करना है x को अलग करना है y को अलग करना है x को एक तरफ रखना है y को एक तरफ रखना है जिसमें अलग हो पाएगा सब में अलग नहीं हो पाएगा होमोजेनियस में नहीं हो पाएगा लीनियर में नहीं हो पाएगा उन सब के लिए अलग अलग केस बनाए गए हैं और कुछ नहीं करना है x को और y को अलग अलग करने के बाद इंटीग्रेट कर देना है बात समझ में आए लेकिन एक बात और ध्यान दीजिएगा और समझिएगा कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो रिड्यूसिबल फॉर्म में है मतलब वेरिएबल सेपरेबल मेथड को सपोज करने के बाद रिड्यूस होते हैं तो उसको मैं केवल मैं अभी आगे वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अभी सारे मेथड को मैं चाह रहा हूं इसमें आपको इंट्रोड्यूस करा दूं कुछ क्वेश्चन करा दूं और कुछ ऐसे भी क्वेश्चन हैं जिसमें रिड्यूसिबल फॉर्म आते हैं तो उसको मैं स्पेशली एक क्वेश्चन पेपर या क्वेश्चन के फॉर्म से वीडियो बना दूंगा उसमें आप देख लेंगे ठीक है नाउ दूसरा समझ में आ गया दूसरा मैंने क्या डिस्कस किया था होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है ध्यान से समझिएगा ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन जैसे इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जिसमें आप अलग नहीं कर सकते एक्स वाई को और यहां पे एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर ध्यान दीजिएगा जिसमें आप एक्स वाई को अलग कर नहीं कर सकते उसमें वेरिएबल सेपरेबल मेथड नहीं लगेगा लेकिन आप जानोगे कैसे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन या होमोजीनियस इक्वेशन क्या है पहले समझिएगा सच टाइप्स ऑफ इक्वेशन इज नोन एज होमोजीनियस इक्वेशन इफ द डिग्री ऑफ ईच टर्म इज सेम सारे टर्म की डिग्री सेम हो यानी पावर का सम बराबर हो तो जरा देखिए यहां पे x स्क्वायर का डिग्री क्या है 2 y स्क्वायर की डिग्री क्या है 2 है x की डिग्री पावर 1 और y पावर 1 मल्टीप्लाई होगा तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा पावर 2 मैंने क्या बोला डिग्री ऑफ ईच टर्म इज इक्वल टू सेम आर सम ऑफ पावर ऑफ ऑल ईच टर्म इज इक्वल टू सेम तो उसको बोलेंगे होमोजेनियस इक्वेशन अच्छा हाँ इसमें कैसे मैं 1 प्लस 1 कर रहा हूं डिग्री कंसीडर करते समय सपोज करते हैं हम ऑल वेरिएबल बिहेव्स लाइक अ सेम और मल्टीप्लाई करने में पावर क्या होता जुड़ता है इसलिए इसकी भी डिग्री 2 इसकी भी डिग्री जरा देखिएगा 2 है तो क्या है होमोजेनियस इक्वेशन क्लियर हुआ एक आगे इक्वेशन और मैं आपको बता रहा हूं होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन y इज इक्वल टू ध्यान दीजिएगा x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस इसको रफ कर दूं क्या ये तो समझ में आ ही गया होगा इसको मैं रफ कर देता हूं ठीक है यहां पर देखिएगा प्लस 3 x y स्क्वायर प्लस 3 y स्क्वायर x डिवाइडेड बाय ये क्या है एक मिनट इसको रब करना पड़ेगा गलती से बन गया है ठीक है यहां पर ध्यान दीजिएगा ये डिवाइडेड बाय x स्क्वायर y प्लस y स्क्वायर x क्या ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है हाँ यू हैव टू चेक दैट ऑल डिग्री ऑफ ऑल टर्म इज इक्वल टू द सेम तो इसकी डिग्री 3 इसकी पावर 3
इसका पावर वन और इसका पावर टू. मैंने क्या कहा, डिग्री चेक करते समय ऑल वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल बिहेव्स लाइक द सेम वेरिएबल. दैट मींस इफ यू कैन से y इज इक्वल टू x तो मल्टीप्लाई करोगे तो पावर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा. 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 3. तो यहां पे पावर क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3. यानी इसका भी 3, इसका भी 3, इसका भी 3 और इसका 2 और इसका पावर 1. यानी 2 प्लस 1 इसका भी 3 और इसका भी, देखिएगा, देखिए 2 और पावर 1, 2 प्लस 1 3 और इसका भी पावर 2 प्लस 1. यानी जब डिग्री ईच टर्म की सेम हो जाएगी तो उसको बोलेंगे होमोजेनियस इक्वेशन, और उसमें अगर डिफरेंशियल कोफिशिएंट आ जाए तो उसको बोलेंगे होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन. आई होप दैट होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिफिनीशन आपको समझ में आ गई होगी क्या है. तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं उनका तरीका मैं आपको सिखा रहा हूं. पहले आप समझ लीजिए होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, और इसमें आप वेरिएबल सेपरेबल मेथड नहीं अप्लाई कर सकते क्योंकि x y को इंडिविजुअली आप अलग नहीं कर सकते. क्लियर हो गया? तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में मैं आपको मेथड बता दे रहा हूं कैसे आप सॉल्व करेंगे, और लर्न कर लीजिए ये मेथड. समझ में आएगा तभी आप कर पाएंगे आसानी से. इस बात को समझ लीजिए, ध्यान दीजिए. देखिए बहुत आसान तरीका है, कुछ करना नहीं है. आप करिए क्या, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है भाई, क्या लिख रखा है ये देखिए. इसको रफ करना पड़ेगा. होमोजेनियस इक्वेशन नहीं, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है. चलिए डिफरेंशियल इक्वेशन. क्लियर? तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की बात कर रहे हैं हम. क्या मेथड अप्लाई करेंगे, क्या करेंगे? तो देखिए एक बहुत आसान तरीका है एनसीईआरटी में, और फेमस तरीका है यही है. कुछ नहीं करना है. अगर डिपेंडेंट वेरिएबल वाई है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स है, तो क्या करेंगे, वाई बाई एक्स के जगह पे वी को सपोज कर लेंगे. दैट मीन्स हमेशा वाई बाई एक्स के फॉर्म में आएगा. दैट मीन्स वाई लेट क्या कर लेंगे, लेट वाई इज इक्वल टू बी एक्स. अच्छा एक बात बताइए आप, तो क्या होगा, वाई इज इक्वल टू बी एक्स जैसे ही करेंगे तो एक टर्म से x रिमूव हो जाएगा, b अलग रह जाएगा, x अलग रह जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम कौन खड़ी करेगा, dy by dx. तो उसके लिए बहुत बड़ा इशू नहीं है. dy by dx की जगह पे हम क्या करेंगे, तो डिफरेंशिएट कर देंगे y को x की रिस्पेक्ट में. we will get dy by dx is equal to first function into differentiation of second function. यानी y को x के रिस्पेक्ट में किया, into differentiation of second function plus second function into differentiation of first function. अब आप बोलोगे सर क्या करना है, करना ये है, बहुत आसान है, कि y with respect to the x जो है dy by dx, उसके जगह पे पुट करना है आपको b plus x dy dx. आप बोलोगे सर dv by dx क्यों लिखा आपने, क्योंकि now b is dependent variable of independent variable x and dependent variable y, इसलिए b का differentiation जीरो नहीं, it behaves like as a dependent variable. clear? आगे तो करना क्या है आपको, आपको पुट करना है, लेट करना है, लेट y इज इक्वल टू बी एक्स. और दूसरा स्टेप फर्स्ट ध्यान दीजिएगा, पहला स्टेप लेट ये करना है. स्टेप टू में, ये स्टेप वन था आपका, स्टेप वन, स्टेप टू में क्या करना है आपको, पुट dy by dx की जगह पे आपको पुट करना है v प्लस x, डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू द x. क्लियर हुआ? उसके बाद कुछ नहीं करना है. स्टेप थ्री, स्टेप थ्री बहुत आसान है. अप्लाई वेरिएबल सेपरेबल मेथड. वेरिएबल सेपरेबल मेथड, वेरिएबल सेपरेबल मेथड को अप्लाई करेंगे आप. क्लियर है? और एक्स को एक तरफ और बी को एक तरफ. अप्लाई वेरिएबल सेपरेबल मेथड, अप्लाई करिए एंड वेरिएट सेपरेट, एंड सेपरेट x एंड b, x और b को अलग अलग कर लेंगे. फिर कुछ नहीं करना है. स्टेप फोर क्या करेंगे, जैसे ही अलग करेंगे फिर हम इंटीग्रेट कर देंगे x को y के टर्म में, b x को x के टर्म में, और b वाले टर्म को b के रिस्पेक्ट में. और उसके बाद हम क्या करेंगे, लास्ट में फिर पुट कर देंगे v इज इक्वल टू b की जगह पे y बाई x. स्टेप फोर पुट इन द लास्ट, बस हमारा यही, हमारा एग्जैक्ट सोल्यूशन हो जाएगा. क्लियर हो गया?
चार स्टेप फॉलो करने हैं, पुट y इक्वल टू bx और इसके जगह पे ये पुट करना है और उसके बाद क्या करना है, अप्लाई करना वेरिएबल सेपरेबल मेथड, फिर लास्ट में b के जगह वो y / x पुट करना है। जरा ध्यान दीजिए कैसे, मान लीजिए सपोज करते हैं हमारा गिवन है होमोजेनियस इक्वेशन dy / dx इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x / y, इसमें दोनों है, हमने क्या बोला है इसके जगह पे b पुट करिए, तो क्या करेंगे dy / dx की जगह पे सॉरी हम लेंगे b plus x dv by dx। हाँ ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, ये गिवन हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है, ले ली ठीक, तो क्या करेंगे इसके जगह पे इसको पुट कर देंगे v plus x dv by dx is equal to, ये हमारा किसके टर्म में हो गया y is equal to vx, ये हमारा हो गया अब किसके टर्म में हो गया x और y vx के टर्म में हो गया, यहाँ पे केवल हाँ बी एक्स रह गया, तो यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, इसको ट्रांसपोज करके अलग अलग कर देंगे और इंटीग्रेट कर देंगे, आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, बी को एक तरफ करेंगे एक्स को एक तरफ करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे एक्स डी वी बाई डी एक्स इधर रह गया आपका और वी एक्स माइनस बी, बी कॉमन लिए तो एक्स माइनस वन को यहाँ पर डिवाइड किया एक्स माइनस वन, नहीं इसको रहने दो, बी को इस साइड डिवाइड करते हैं ठीक है, बी को इस साइड तो डी वी क्लियर, ये देखिए डी बी डिवाइडेड बाई बी इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स माइनस वन इंटू डी एक्स और इंटीग्रेटिंग बोथ साइड प्लस सी, यही मेथड मैं अप्लाई करने वाला हूं, ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का मेथड है, आपने जैसे कि स्टेप देख लिया, स्टेप मैंने क्या लिखा हुआ है उसको समझिए पहले ठीक है, स्टेप ये सारे स्टेप लिखे हुए हैं, फिर से एक बार स्टेप को देखिए, स्टेप क्या है हमारे, लेट y इक्वल टू bx और dy by dx की जगह इसको पुट करना है, अप्लाई करना है वेरिएबल सेपरेबल मेथड और उसके बाद b इज इक्वल टू y / x पुट करना, क्लियर। नाउ क्वेश्चन से भी समझ में आ जाएगा, लेट एंड क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन मैं लेने जा रहा हूं, क्वेश्चन मैंने लिख रखा हुआ है, आसान सा क्वेश्चन है, क्या करेंगे dy by dx को पहले होमोजेनियस फॉर्म में बनाते हैं, तो ये हो गया आपका x plus 2y, x plus 2y divided by, इसको divide करेंगे x minus y, क्या x y को आप अलग कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, क्या हो गया भाई भाई, इधर देखिए, अब हमने क्या बोला, पुट पहला स्टेप, पुट y is equal to bx, y की जगह पे क्या पुट करेंगे, पुट करेंगे पुट y is equal to vx, तो y की जगह पे जैसे ही बी एक्स पुट करेंगे और कोई दिक्कत है कैसे ठीक है, पुट y इज इक्वल टू बी एक्स एंड डी वाई बाई डी एक्स की जगह पे क्या पुट करना है, फर्स्ट फंक्शन v इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, वी विल गेट दिस वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ कलर रेड ले रहा हूं जैसे आपको क्लियर हो जाए, तो यहां पर देखिए dy बाई डी एक्स की जगह मैं लिख रहा हूं b प्लस इसकी जगह पर इक्वेशन वन, चलिए इसको ऐसे अलग कर दे रहा हूं ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसके जगह पर dy by dx की जगह पर लिख रहा हूं b plus x dv by dx is equal to, dv by dx is equal to x as it is रहेगा, y की जगह bx पुट करिए तो 2 into bx, ये b कहां चला जा रहा है, डिवाइडेड बाई x माइनस 2 into vx, क्लियर हो गया, ये रिमूव क्यों हो रहा है भाई, एक एक वर्ड जरा देखिएगा, एक्स माइनस टू बी एक्स, नाउ कॉमन, अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट में चल रहे हैं, हमारा क्या था, कलर रेड ले लूं, एक्स प्लस वी क्या था, एक मिनट, हाँ एक्स बी बी प्लस था, ये हमारा था आपका v plus x dv by dx is equal to x plus 2vx divided by x minus 2vx। अगर मैं आपसे कहूं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से आप इस राइट हैंड साइड में क्या करिए x को कॉमन ले लीजिए तो आएगा आपका 1 plus 2b divided by
x को कॉमन ले लिए 1 माइनस 2b, तो x x कैंसिल, क्लियर हो गया। और यहां पर देखिए b को ट्रांसपोज कर दिए, b को एक तरफ वैल्यू लिखिए, यहां पे x dv by dx is equal to 1 plus 2b upon 1 minus 2b minus of b, क्लियर। अब यहां पर देखिए x dv by dx रहेगा ही, और ये आ गया क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 plus 2b minus 1 की जगह पे हो जाएगा b, और माइनस माइनस प्लस 2b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2b, क्लियर हो गया। ये आ गया आपका, ध्यान दीजिए, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर दे रहा हूं, रिड्यूस कर दे रहा हूं, ठीक है ना, ये आपको दिख रहा होगा, मैं रिड्यूस कर दिया इसको, ठीक है। अब जरा देखिए, अब यहां पर पहुंचे थे हम, ठीक है, ब्लैक कलर में ले ले रहा हूं, x dv by dx यहां पर लिख रहा हूं, x dv by dx आपका रहेगा ही रहेगा इज इक्वल टू 2b स्क्वायर 2b माइनस b, यानी केवल प्लस b प्लस 1 अपॉन 1 माइनस 2b, क्लियर हो गया। इसको इस साइड लाएंगे, x को उस साइड ले जाएंगे, तभी तो b और x एक तरफ आएगा, यानी वेरिएबल सेपरेबल मेथड अप्लाई करेंगे, तो यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा आपका 1 माइनस 2b अपॉन 2b स्क्वायर प्लस b प्लस 1, क्लियर, इज इक्वल टू dx बाय 1 बाय x, x को इस साइड मल्टीप्लाई किया, dx को यहां मल्टीप्लाई किया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई ये किया, क्लियर। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड प्लस ऑफ सी, अप्लाई वेरिएबल सेपरेबल मेथड। अब इसमें अप्लाई स्टेप थर्ड में पहुंच गए, अभी तक हमने क्या किया, लेट y इक्वल टू bx को पुट किया, x को रिमूव किया और सेपरेट किया, क्या b को एक तरफ किया, x को एक तरफ किया, क्लियर हो गया। अब जरा देखिए, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, कैलकुलेशन तो लंबा करना ही पड़ेगा भाई, इसमें घबराइए मत, 4 मार्क्स क्वेश्चन है, 5-7 मिनट में आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अब क्या करेंगे, क्या आप इसको, अच्छा यहां पे dv है, क्लियर, क्या आप यहां पे डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू मेक द पार्शियल फ्रैक्शन, इंटीग्रेशन तो पढ़ना पड़ेगा, डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए इंटीग्रेशन आना चाहिए, इसके बाद में प्लेन, प्लेन के बाद प्रोबेबिलिटी, प्लेन प्रोबेबिलिटी के बाद सीधे इंटीग्रेशन पे पहुंचूंगा, 2-3 दिन का समय है, 2-3 दिन के गैप में मैं आपका कंप्लीट करवा दूंगा पूरा का पूरा मैथ। अब क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, तो हम इसको लिखेंगे db अपॉन 2b स्क्वायर, 1 से डिवाइड किया था, 1 को अलग किया, प्लस b प्लस 1 db माइनस 2b, 2 को बाहर किया, b इंटू डी बी बाई 2b स्क्वायर प्लस b प्लस 1 इज इक्वल टू 1 बाई x dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा, ये आएगा log x प्लस ऑफ c। अब रह गया ये इंटीग्रेशन पूरा का पूरा खेल, अब आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, और आप इंटीग्रेशन कर लेंगे आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा, लेकिन इंटीग्रेट कैसे करेंगे, ये कौन सा फॉर्मेट है इंटीग्रेशन का, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, इंटीग्रेशन का ये वाला कंसेप्ट है, क्या dx अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और इसमें आप क्या करते थे, इसको परफेक्ट स्क्वायर x प्लस माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस माइनस बीटा का होल स्क्वायर के फॉर्म में बनाते थे, क्लियर हो गया, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, उसके बाद ये क्या हो गया सर, ठीक है, यहां पर देखिएगा ये आपके इस फॉर्म में आ गया, क्लियर हो गया, तो इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद आप क्या करेंगे, v की जगह y बाई x पुट करेंगे, y बाई x करेंगे, और यहां पर कौन सा फॉर्म अप्लाई होगा, ध्यान दीजिएगा, यहां से इंटीग्रेशन का फॉर्म अप्लाई होगा 2 इंटू बी डी बी की जगह कौन वाला, सॉरी 2 को हटा दे रहा हूं मैं, यहां पे पी एक्स प्लस क्यू अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, क्लियर हो गया, समझ आ रहा है, इसके बाद ये फॉर्म अप्लाई होने वाला है, तो हम इस फॉर्म से अप्लाई करके इंटीग्रेट करेंगे, समझ में आया, तो अब देखिए चलिए इस नेक्स्ट पेज पे चले, करते हैं इंटीग्रेट इसको, एक मिनट, हाँ तो हम लोग कहां पर थे,
देख रहे थे कि इंटीग्रेशन ऑफ db अपॉन 2b स्क्वायर प्लस b प्लस 1 विद रिस्पेक्ट टू db और ये इज इक्वल टू log x प्लस c था, तो इसमें ये कांसेप्ट हम लगाने वाले हैं, इनका यूज करेंगे और इंटीग्रेट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू दिस फॉर्म। नाउ इसको रिमूव करते हैं, ठीक है। अब इसको परपेट स्क्वायर बनाते हैं, 2b स्क्वायर प्लस b प्लस 1 में इसको मुझे परफेक्ट स्क्वायर बनाना, इसको कन्वर्ट करना है परफेक्ट स्क्वायर, तभी तो आप फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आपने जो पढ़ा हुआ है इन सब के लिए फार्मूला, आपने तीन फार्मूले पढ़ रखे हैं, कौन से आपने पढ़े हैं ध्यान दीजिएगा, डिनोमिनेटर में इंटीग्रेशन के आपने फार्मूला पढ़ा होगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स का 1 बाई 2 लॉग मॉड ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस ऑफ सी। दूसरा आपने फार्मूला पढ़ रखा होगा इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई 2 ए लॉग ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स प्लस सी। तीसरा आपने फार्मूला पढ़ा होगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। तो इन तीनों के फॉर्म में डिनोमिनेटर में हमें कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे, पहले इंटीग्रेशन में आपने पढ़ा होगा इसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको हमको कन्वर्ट करना है ए एक्स प्लस माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस माइनस बीटा का स्क्वायर। मैं इसको रिमूव करने जा रहा हूँ क्योंकि मैंने समझाने के लिए लिखा हुआ था, ये वैल्यू जो हमारी थी यहाँ तक, ठीक है, क्लियर। अच्छा ये हमारी जो थी लॉग एक्स थी, ये जो वैल्यू थी हमारी कहाँ थी, लॉग एक्स थी इज इक्वल टू। तो चलिए इन फार्मूलों का यूज करने के लिए 2b स्क्वायर प्लस b 1 इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो कैसे बनाएंगे आप देखिए, मैं आपको सिखा दे रहा हूं कॉन्सेप्ट, आप x प्लस k का होल स्क्वायर आपको बनाना है या b प्लस k का होल स्क्वायर सपोज करिए बनाना है, तो b का कोफिशियंट 1 है ऑलरेडी, यहां पर बी का कोफिशियंट पहले तो 1 बनाएंगे आप, क्योंकि आप फार्मूला जानते हैं बी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस 2k रहेगा, 2kb रहेगा, तो क्या करना होगा आपको बी का कोफिशियंट 1 बनाना होगा, 1 बनाना होगा। चलिए मैं इन फार्मूलों को यूज करूंगा, तो इनको पहले रिमूव कर दूं, जगह बनाऊं, ठीक है। चलिए ये एक मिनट, इसको रिमूव किया, ठीक है, इसको भी मैं रिमूव कर दे रहा हूं, ठीक है। अब जरा देखिए, ब्लैक कलर ले ले रहा हूं, चलिए 2b स्क्वायर को 1 बाई 2 कॉमन ले लेंगे, तो 1 बाई 2 कॉमन ले लिया, तो ये इंटीग्रेशन db अपॉन b स्क्वायर प्लस 1 बाई 2 b प्लस 1 बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन, इसमें 2 कॉमन लेंगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, ये बचेगा b db अपॉन b स्क्वायर प्लस b बाई 2 प्लस 1 बाई 2, क्लियर हुआ, इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स प्लस सी। अच्छा एक बात और, इसमें सारा इंटीग्रेशन आपका रिवीजन हो जा रहा है, इस वाले के फॉर्म में पी एक्स प्लस क्यू अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो नहीं, इसके फॉर्म में हम क्या करते थे, डिनोमिनेटर को लेट, ध्यान दीजिएगा, करते थे यहां पर लेट ए डिफरेंशिएशन ऑफ ए एक्स स्क्वायर, पहले पी एक्स को ले लेते हैं, ठीक है। अब यहां पर देखो क्या करते थे, लेट पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू ए इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ ए एक्स स्क्वायर, ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस बी, और बी की वैल्यू निकालकर ए बी की वैल्यू निकालकर यहां पर पुट करते थे, तब इंटीग्रेट करते थे,
क्लियर हो गया, इतना आसान इंटीग्रेशन नहीं, ये सब इंटीग्रेशन ही आपके चार नंबर के आएंगे, इसलिए मैंने कहा ये क्वेश्चन छह नंबर का है, छह मार्क्स का क्वेश्चन है। क्लियर हुआ? तो चलिए पहले इसको इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है, इसको रिमूव करते हैं, ये वैल्यू आपकी रिमूव, यहां पर देखिए इस फॉर्म को भी रिमूव कर रहे हैं, तो इंटीग्रेट करेंगे, 1/2 रहेगा आपका, 1/2 आपका ये बना रहेगा यहां पे, इसको हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो ये जरा देखिए 2kb की जगह मैंने बोला 1/2b, ठीक है, तो यहां पर जरा देखिए ये हो जाएगा b से b कैंसिल आउट, सॉरी b से b कैंसिल आउट, क्या यार इसको रिमूव करो, ठीक है, यहां पर देखिए आप लोग, मैंने क्या बोलता है आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो b स्क्वायर कोफिशिएंट 1 बना लिया, 2kb को मैंने बोला, आप लोगों को आसान बता रहा हूं, ऐसे ही कर रहोगे तो आसानी हो जाएगा, 1/2b, b से b कैंसिल आउट, और यहां से k इज इक्वल टू 1/4, यानी इसको b प्लस 1/4 का होल स्क्वायर तुम बना सकते हो, देखो कैसे बनाओगे, k की जगह b स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करोगे तो 1/16 आएगा, और यहां पे 2 1/4 into b, तो ये आ जाएगा 2, ये आ गया तुम्हारा b स्क्वायर, जरा इसको रिमूव कर देते हैं, इसमें रिमूव करने के लिए थोड़ा सा प्रोसीजर लंबा, यहां पर देखिए ये आ गया आपका b स्क्वायर, ठीक है, b स्क्वायर प्लस 16 प्लस 1/2b, यानी आप देखिए इस बात को समझ लीजिए कि अगर आपको ये परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, कौन, b स्क्वायर प्लस 1/2b प्लस 1/2 को, तो जरा देखिए आपने देखा कि अगर हम b प्लस 1/2 का होल स्क्वायर लिखेंगे, इस साइड लिख रहा हूं, तो b स्क्वायर प्लस 1/2b प्लस 1/16 आ रहा है, लेकिन ये है क्या, ये तो हम क्या करेंगे इसमें 1/16 अगर ऐड कर दें, तो जरा देखिए ये पूरा का पूरा हो गया परफेक्ट स्क्वायर, अब माइनस 1/16 सबट्रैक्ट कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बात समझ में आ रहा है, तो बस मैं वही करने वाला हूं, इसको इसके जगह पे आप ये लिख सकते हैं और इसके जगह पे ये लिख सकते हैं, तो बस इनको हम यही करने जा रहे हैं बेटा, अब ध्यान दीजिए ये तो इंटीग्रेशन में आपको आना चाहिए, इंटीग्रेशन कैसे किया जाएगा मैं इंटीग्रेशन के चैप्टर में आपको मैं पढ़ाता हूं और डीपली, ठीक है, शॉर्टकट में आपका मैं करवाता हूं, ठीक है, जरा देखिए अब ये हो जाएगा हमारा डिफरेंशिएशन ऑफ बी और बी स्क्वायर वन बाई टू बी प्लस 1/2, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1/16 ऐड करना पड़ेगा, 1/16 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो एक साथ में कर दे रहा हूं, यहां ध्यान दीजिएगा, इसको रिमूव करके इसके जगह पे लिखने जा रहा हूं, ठीक है, b प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, 1/4 था आपका, ठीक है, 1/4, तो 1/4 का होल स्क्वायर, ठीक, b प्लस 1/4 का होल स्क्वायर और माइनस आप 1/16, क्योंकि इसमें मैंने 1/16 को ऐड किया था, तो 1/16 को सब्ट्रैक्ट करूंगा, क्लियर हो गया, समझ में आ गया, समझ गया कि नहीं, अब प्लस 1/2 ऑलरेडी पड़ा हुआ है और माइनस बी रहने दीजिए, डी बी बाई आपका, इसमें अगर हम इंटीग्रेशन वो वाला पार्ट लेते हैं, इसमें 1/2 को कॉमन ना लें, तो देखिए हमारा ये जरूरी नहीं है कि इसको कॉमन लेके ही करें, वो वाला कंसेप्ट भी लगा सकते हैं, और इसमें को रिमूव कर दें, इसको भी रिमूव कर दें, ये आपका आ जाएगा 2, क्लियर, 2 हमने कॉमन लेके जो डिवाइड किया था इसमें नहीं किया, ठीक है, अब जरा देखिए ये हो जाएगा हमारा 2b स्क्वायर प्लस b प्लस 1 इज इक्वल टू log x प्लस c, ठीक है, इसको मैं बाद में करूंगा सेपरेट इंटीग्रेशन, इसका पहले इंटीग्रेशन कर लेता हूं, तो ये 1/2, ये कौन सा फार्मूला लग गया, ये फार्मूला लग गया ये वाला, इंटीग्रेशन dx अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2a log mod of x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c,
इसी फार्मूला को अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो यहां पे मैं लिखूंगा 1/2 into a, a की जगह क्या है, इसका कैलकुलेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए एलसीएम ले लेंगे 16, तो ये हो जाएगा -1/16 को यार ऐसे कर लीजिए साल, ठीक है, ये हो जाएगा आपका -1, 2 into 16, यहां पे आ जाएगा आपका 7/16, क्लियर, 7/16 हो गया। तो इनके पूरे जगह पे मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है, ये आप सॉरी रबर इरेजर ले लें, ठीक है, ये तब इरेज होगा, इसके जगह पे प्लस 7/16 में अंडर रूट का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये आ गया √7/4, इसको सीधे सीधे लिख सकते हैं, क्या हो गया √7/4 का होल स्क्वायर, फिर इसको मैं रिमूव कर दूंगा, और ये मैं आपको बता रहा हूं √7/4 का होल स्क्वायर। तो ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे तो एक ही जगह √7/4 log, क्लियर, माडा x की जगह b+1/4 प्लस x माइनस a, ना यहां पे प्लस था यार, x स्क्वायर प्लस a, ये प्लस आया, माइनस वाला फार्मूला नहीं अप्लाई होगा, ध्यान दीजिएगा ये प्लस है तो ये वाला फार्मूला लग ही नहीं सकता यहाँ पे, जब प्लस है तो ये आएगा आपका tan वाला फार्मूला लग जाएगा, ध्यान दीजिएगा, मैंने ध्यान नहीं दिया, ये प्लस हो जाएगा यहाँ पे 1/a tan इनवर्स x/a अप्लाई, ये वाला फार्मूला अप्लाई होगा, तो झूठी जबरदस्ती हमने लाग लगा दिया, ध्यान नहीं दिया सॉरी, यहाँ पे माइनस नहीं है प्लस आया, क्लियर, तो ये आपका लग जाएगा जो फार्मूला 1/2 into 1/a, a की जगह आ जाएगा आपका √7 और यहाँ पे √7 और यहाँ पे 4 ऊपर हो जाएगा tan इनवर्स x/a, तो x की जगह b/√7 4 ऊपर पहुंच जाएगा, बस क्लियर, और माइनस इसका इंटीग्रेशन में अलग करके ऐड कर दे रहा हूँ, यहाँ b की वैल्यू 4b है, इंटू बी की वैल्यू क्या रखेंगे y/x, यहाँ पे b की वैल्यू रख देंगे, इतना लंबा कैलकुलेशन है 2/√7 tan इनवर्स और यहाँ b की जगह आ जाएगा 4y/√7x, पुट कर दिया माइनस, इसको अलग इंटीग्रेट कर देंगे, क्लियर हुआ, इसको अलग से इंटीग्रेट करेंगे, इसमें अप्लाई करेंगे दूसरा वाला कंसेप्ट, इसको अभी मैं इंटीग्रेट कर देता हूं, आप समझ लेंगे, नेक्स्ट पेज पे कर दे रहा हूं, ध्यान दीजिए क्या करेंगे, लेट b इज इक्वल टू a इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ 2b² + b + 1 + b, a और b की आपको वैल्यू निकाल के आउटपुट करनी है, तो यहां डिफरेंशिएट करेंगे, यहां पे x नहीं रहेगा क्योंकि ये b है, तो b के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, क्लियर, ये नहीं रहेगा यहां पे क्या रहेगा, v के रिस्पेक्ट, तो यहां पे db/d, क्लियर, तो ये हो जाएगा a, इसको डिफरेंशिएट करेंगे b रिस्पेक्ट में, 2 * 4b + b = 1 और बाकी 1 = 0 प्लस b यहां रहेगा ही रहेगा, क्लियर हुआ, अब जरा देखिए यहां पे b एज इट इज रहेगा, यहां पे a, यहां पे 4ab प्लस a प्लस b, क्लियर, अब यहां से b के कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे, तो यहां पे v का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो 4a = 1 आया, a की वैल्यू आ गई 1/4, यहां पर देखिए b a प्लस b कांस्टेंट टर्म की कोफिशिएंट की बात करेंगे तो देखिए आप यहां पे 0 + 1 * b लिख सकते हैं, 0 है तो यहां पे आएगा a = -b, यानी a की वैल्यू आई -1/4, क्लियर हुआ, समझ में आया, तो ये आया a की वैल्यू 1/4, b की वैल्यू है, तो नेक्स्ट पेज में मैं चल रहा हूं, मैं लिख सकता हूं इसको इंटीग्रेशन b/2b² dB + b + 1 की जगह पे ये क्या बन गया, ठीक है, पता नहीं, एक मिनट देखते हैं इसको, ठीक है, अब यहां पर इज इक्वल टू इसके जगह पे लिख सकते हैं क्या, देखिए मैंने कहा b की जगह पे आप रिप्लेस करिए a, a की वैल्यू 1/4 और इसका डिफरेंशिएशन क्या था 4b + 1, अब b की वैल्यू आई थी -1/4, तो -1/4 रखिए इसके जगह पे, किसके जगह पे, b के जगह, तो -1/4,
यानी b की जगह पे ये रिप्लेस करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा आपका 1/4 4b + 1/-1/4 / 2b² + b + 1। ठीक, अब क्या करेंगे, इसके जगह पे लिखा था, ठीक है, अब इसको रिमूव करके मैं आपको बता रहा हूं यहां पे क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, ये होगा 1/4 को बाहर रखा, ठीक है, 1/4 को बाहर रख लिया तो हो गया आपका इंटीग्रेशन 4b - 1/+1/2b² + b + 1, पार्शियल फ्रैक्शन किया -1/4 इंटीग्रेशन db, इन सब के जगह पे db, ठीक है, ओवरऑल db और यहां पे db, db अपॉन 2b² + b + 1। इसका तो अभी आपने किया, क्या आया हुआ था, tan इनवर्स में आया था कुछ, इसका इसका हो जाएगा, इसको t मान लेंगे, इसको t मान लेंगे, जरा देखिए 2b let let 2b² + b1 = t, तो dt / db क्या होगा आपका 4b + 1, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो dt = 4b + 1 × db, यानी इसके जगह पे db लिख सकते हैं, क्लियर हुआ, तो इसके जगह पे dt लिख देंगे तो अगली लाइन पे हो गया हमारा, जरा ध्यान दीजिए इसको मैं छोटा कर रहा हूं, ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग, इसको मैं छोटा कर रहा हूं, ठीक है, दिख रहा है, ठीक है, अब जरा देखिए, ठीक है, अब ये देखिए इसके जगह पे मैं dt लिख सकता हूं, तो ये आ गया 1/4 आपका dt upon 1/t और -1/4, इसका इंटीग्रेशन की वैल्यू आपने प्रीवियस पेज में निकाल रखी है, देख लीजिए क्या आई हुई है, इसका इंटीग्रेशन का क्या आया था आपका 2 by root 7 tan inverse 4y/√7x, ठीक है, 4y/√7x, 2 by, ये आपका आ गया (into 2/√7 tan inverse 4y/√7x, ठीक है ना, ये आपका आ गया r = log x + c था लास्ट फाइनल आंसर में, अब जाके आपका आंसर आया 2 × 4 इतना लंबा 1/4 log t - 1/√7 tan inverse 4y / √7x = log of x + c। तो ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आया, t की वैल्यू अब तुमने क्या सपोज कर रखी है उसको पुट कर दो t की जगह, आप यहां पे बस एक चीज और पुट करना है, t की जगह पे आप पुट करो क्या 2b² + b + 1, ये पुट कर दो और उसके बाद b की जगह पे y/x 2y² / x² + y/x + 1 उठा के ये रिप्लेस कर दो, यहां पे आपका फाइनल सॉल्यूशन आ गया, क्लियर हो गया। तो ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन था, ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन था, अब आ गया आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, क्लियर हुआ, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पे डिस्कशन करेंगे। तो ध्यान दीजिए द फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, बढ़ा दे सर, द फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, देखिए दो टू टाइप के लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, 10 मिनट से, ठीक है, टू टाइप्स के लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू द x + p * y = q, या दूसरा जो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशिएशन ऑफ x / y + p * x = q, वेयर इन दोनों में p एंड q आर फंक्शन ऑफ x, फंक्शन ऑफ x, और इस वाले में p एंड q आर फंक्शन ऑफ y, ध्यान दीजिएगा, हो तो इसको बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ध्यान दीजिएगा ये टू टाइप के जो फॉर्म है वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म है,
डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू द x प्लस py इज इक्वल टू q, जहां पर p और q क्या है, x का एक फंक्शन है, और इसमें डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू द y वेयर p एंड q इज फंक्शन ऑफ y, p और q का किसका फंक्शन हो, y का हो, तो इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन को बोलेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और इसके कुछ मेथड हैं, उस मेथड को समझ लीजिए, बहुत आसान हो जाएगा। ये लास्ट टॉपिक है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का, इसके क्वेश्चन 6 या 4 मार्क्स के होंगे, छोटे होंगे तो 4 मार्क्स के नहीं 6 मार्कर क्वेश्चन होंगे, इसलिए इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से आते हैं, और ये तीसरा टाइप का। तो मैं आपको रिड्यूसिबल नॉन रिड्यूसिबल दोनों बताऊंगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे x किसका फंक्शन है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो p और q जो है ये भी किसके फंक्शन है, x के। यहाँ पे y किसका फंक्शन है, ध्यान दीजिए ये डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, y है, तो p और q किसके फंक्शन है, y के। इसका मतलब p और q किसके फंक्शन होंगे, इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा उसी के फॉर्म होगा। क्लियर हो गया? और इनके सॉल्व करने का, ये तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, इनके सॉल्व करने का मैं आपको तरीका सिखा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा क्या करना है। कुछ नहीं तो सपोज करता हूं पहला वाला जो फॉर्म है, दोनों में एक ही तरीका अप्लाई होगा। हमने क्या बोला, पहला वाला जो फॉर्म था वो ध्यान देते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो था ब्लू, ठीक है, ये देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू द एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, वेयर पी एंड क्यू इज फंक्शन ऑफ एक्स, पी और क्यू फंक्शन है किसके, पी एंड क्यू इज फंक्शन ऑफ एक्स, एक्स के फंक्शन है। तो करते क्या है, इसका जो तरीका है उस बात को समझ लीजिए, कुछ नहीं करना है, हम एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, पहले स्टेप सीख लिए और क्यों निकालते हैं ये भी समझ लेंगे। स्टेप फर्स्ट क्या है इस टाइप में करने के लिए, कि फाइंड स्टेप फर्स्ट इंटीग्रेटिंग फैक्टर आईएफ, उसको शॉर्टकट में बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर को आईएफ, फाइंड आईएफ, और आईएफ इज इक्वल टू जो होता है फार्मूला ई टू द पावर पी डी एक्स, बस इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालिए। उसके बाद स्टेप टू बहुत आसान है, स्टेप टू करना क्या है आपको, आप वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू होल इंटीग्रेशन क्यू इंटू आई एफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस ऑफ सी, इसमें पुट कर दे, ये क्या आ जाता है यार, इसमें पुट कर देंगे आप, क्यों आ जा रहे भाई, यहां पे इसमें पुट कर देंगे और इसको सॉल्व कर देंगे, हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आ गया। बस कुछ नहीं करना है, जरा ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पे एक्स होगा वाई तो कुछ चीजें बदल जाएगी, बस इस बात का तुम्हें ध्यान रहना चाहिए, अगर ये डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू द वाई हो और प्लस यहाँ पे पी इनटू अब एक्स इज इक्वल टू क्यू आ गया, यानी यहाँ पे देखिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है हमारा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल वाई है, कहां से आइडिया लगेगा, डिफरेंशियल कोफिशिएंट से आइडिया लगेगा, और डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है एक्स, यहां से आइडिया लगेगा। अब जरा देखिए पी और क्यू इंडिपेंडेंट वेरिएबल वाई का फंक्शन है, इसलिए पी और क्यू किसका फंक्शन होगा, पी एंड क्यू विल बी द फंक्शन ऑफ वाई होंगे। तो अब जरा देखिएगा इसमें कुछ नहीं करना है, इसका आई अब जो निकलेगा वो ई टू द पावर पी इंटू डी वाई हो जाएगा, क्योंकि अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल वाई था, उसमें क्या होगा एक्स था, इसमें कौन होगा वाई होगा, और अब एक्स इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो इसका जो सोल्यूशन आएगा एक्स इंटू, वहां पर वाई था तो यहाँ पे एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर विद रिस्पेक्ट टू द वाई प्लस ऑफ सी, बस पुट कर देना, ये सोल्यूशन आ जाएगा आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। आई होप दैट सबको अच्छे से समझ में आया होगा। अब बात आ गई, आप कहोगे सर ऐसा क्यों, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई टू द पावर पी डी एक्स या ई टू द पावर पी डी वाई क्यों, तो जरा इसके बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं और ये चीजें आपको क्लियर होती समझ में आ जाएंगी। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, देखिए हमारा पहला वाला जो डिफरेंशियल इक्वेशन था वो फॉर्म था डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वाई डी ऑफ वाई प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। अब इस वाले में इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, एक्स है, इसका मतलब P एंड Q आर द फंक्शन ऑफ एक्स होंगे, तो P और Q में इन सब में बोथ में मैं एक फंक्शन एंड अदर फंक्शन जी एक्स से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मल्टीप्लाइंग, ठीक है, मल्टीप्लाइंग
gx बोथ साइड, चलिए बोथ साइड में gx को मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, तो देखिए क्या बनने वाला है, ये gx into differentiation of y with respect to the x plus p into y into gx is equal to q into gx. अब जरा देखिए इस बात को बहुत ध्यान समझिएगा, मैं राइट हैंड साइड को डेरिवेटिव ऑफ, मैं राइट हैंड साइड को डेरिवेटिव ऑफ y और gx का डेरिवेटिव बनाना चाहता हूं, मुझे लाना है तभी इसको हम इंटीग्रेट कर पाएंगे, इंटीग्रेट बोथ साइड करेंगे तभी हमारा सॉल्यूशन निकल के आएगा, क्योंकि आप जानते हैं फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में जब तक इंटीग्रेट नहीं करेंगे बोथ साइड तो हो नहीं पाएगा, तो ये डेरिवेटिव बने, ये राइट साइड वाला जो हमारा वो डेरिवेटिव बने, तो हम मान लिए राइट साइड जो है मेकिंग राइट हैंड साइड इज डेरिवेटिव ऑफ दिस, तो यहां पे मेकिंग लेट राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड इज डेरिवेटिव, क्या कौन सा डेरिवेटिव है भैया, y into gx का हम मान लिए कि डेरिवेटिव है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ dx हो जाएगा, राइट साइड को मान लिए तो gx की किस वैल्यू के लिए डेरिवेटिव होगा, gx की किस वैल्यू के लिए होगा, वो वैल्यू हमारे पास निकल कर आएगी और इस इक्वेशन नंबर वन में हम पुट कर देंगे, इसको इक्वेशन नंबर वन सपोज कर रखा है और इसको बोला कि राइट हैंड साइड इज डेरिवेटिव ऑफ y into gx, रात के 10:30 बज रहे हैं, भूख लग गई थी इसलिए थोड़ा सा टाइम में ले लिया, बीच में गैप कर दिया अब जरा देखिए, अब इसको उठा के पुट कर देंगे राइट हैंड साइड में, तो gx की जिस वैल्यू के लिए सेटिस्फाई करेगा उसी को लाएंगे, ठीक है, चलिए तो अभी हमने निकाला, ब्लैक कलर लेते हैं, सॉरी ये, ठीक है, हमने निकाल रखा हुआ है gx into dy by dx plus p into gx into y is equal to q into gx, यही क्वेश्चन नंबर वन हमारा था, राइट हैंड साइड हमने बना दिया gx into dy by dx plus p g of x into y is equal to q की जगह differentiation of x with respect to the differentiation of y into gx with respect to the x, क्लियर हो गया, मान लिए राइट हैंड साइड ये इसका डेरिवेटिव है, तो gx की किस वैल्यू के लिए डेरिवेटिव है वो निकाल ले, जरा ध्यान दीजिएगा, अब ये हो जाएगा हमारा gx into differentiation of y with respect to the x plus p gx into y is equal to, फर्स्ट इसमें देखिए एक y डिपेंडेंट वेरिएबल है और gx में x इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी दोनों क्या है, फंक्शन है, जब दोनों फंक्शन है तो इसमें दोनों फंक्शन है, डिपेंडेंट वेरिएबल ये भी डिपेंडेंट वेरिएबल है, कि किसका, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x का, और डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, इसलिए हमें प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना पड़ेगा, नाउ अप्लाई प्रोडक्ट रूल फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो g डैश x प्लस सेकंड फंक्शन gx इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू द x, तो मुझे लगता है राइट हैंड साइड में gx और dy ये कैंसिल आउट हो गया, और मुझे लगता है ये y से y कैंसिल आउट हो गया, और यहां पे क्या बचा, p एक मिनट ध्यान दीजिए, इसको भी रिमूव कर देते हैं, यहां पे हमारा बचा p gx इज इक्वल टू g डैश x, क्लियर, अब मैं इधर इसको डिवाइड कर दूं तो ये आपका हो गया p इज इक्वल टू g डैश x अपॉन gx, अगर मैं आपसे कहूं इंटीग्रेट कर दीजिए बोथ साइड x के रिस्पेक्ट में, तो मुझे लगता है gx की वैल्यू आपके सामने आने वाली है, जरा ध्यान दीजिए हम कहां पहुंचे हैं, हम पहुंचे हैं यहां पे p dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन g डैश x अपॉन gx इनटू dx, यहां पहुंच गए हैं, अब हम कहें आपसे लेट gx इज इक्वल टू t, अगर हम इसको t ही मान दें या log gx आएगा, आप देख रहे हैं लेट इंटीग्रेशन कर रहे हैं लेट जी एक्स इज इक्वल टू टी, तो ये आपकी वैल्यू क्या हो गई, या डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू जी डैश एक्स कहेंगे, आप कहेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे डी टी इज इक्वल टू, आप बोलेंगे जी डैश एक्स इन टू डी एक्स, और इसके जगह पे डी टी लिख सकते हैं, चलिए इंटीग्रेशन पी डी एक्स कैसे लिख रहा, ठीक है,
यहां हम लिखेंगे इंटीग्रेशन पी डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई टी इंटू डी टी, इसके जगह पे टी और इसके पूरे जगह पे डी टी। और मुझे लगता है ए इंटीग्रेशन पी डी एक्स इज इक्वल टू ए आ गया तुम्हारा लॉग ऑफ मॉड टी, दैट मीन्स यू कैन से दैट लॉग ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन पी डी एक्स। अब तुम जानते हो लॉग इस साइड आएगा तो ई टू द पावर में जाएगा, क्योंकि आप जानते हो लॉगरिथमिक फंक्शन इज इनवर्स फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल, दैट मीन्स यू कैन से दैट नेक्स्ट पेज पे ये जो था आपका पी डी एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ जी एक्स, और जी एक्स इज इक्वल टू लॉग इधर पहुंचेगा तो आप बोलोगे ए आया ई टू द पावर पी डी एक्स, और इसी को हमने कहा इट इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर। आई होप दैट इट इज क्लियर फॉर ऑल स्टूडेंट, सारे स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा कि यही हमारा इंटीग्रेटिव फैक्टर है। कहां से आया फिर से मैं एक बार बता दे रहा हूं, उसके बाद वैल्यू पुट करके दिखा रहा हूं। जरा देखिएगा, हमने सपोज किया कि डिफरेंशियल इक्वेशन डीवाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई फंक्शन है एक्स का, जी एक्स के फंक्शन से बोथ साइड मल्टीप्लाई किया तो इक्वेशन नंबर वन के बनकर आया। हमने मान लिया राइट साइड को कि ये डेरिवेटिव है जी एक्स का, या इसको बनाया इट इज डेरिवेटिव आप जी एक्स, तभी तो हम बोथ साइड इंटीग्रेट कर पाएंगे। तो बनाने के लिए हमने क्या किया, वाई इंटू जी एक्स मान लिया राइट हैंड साइड में है, तो जी एक्स की किस वैल्यू के लिए हमने अप्लाई किया बेटा, ध्यान देते जाओ आप, हमने क्या किया यहां पर इसमें प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर, तो यहां से ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, यहां से हमें क्या वैल्यू निकल कर मिलकर आई, जी एक्स की वैल्यू निकल कर आई, ये जी एक्स की वैल्यू नेक्स्ट पेज पे आई है क्या, इंटीग्रेट करने के बाद e टू द पावर पी डी एक्स, इसी को बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब जरा ध्यान दीजिएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर को कहां पुट करना है, इक्वेशन नंबर वन, इक्वेशन नंबर वन कहां है, जल्दी से प्रीवियस पेज पे चलिए, ये देखिए इक्वेशन नंबर वन, सॉरी इस वाले पेज पे ये है, यहां पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर को पुट करना है, यानी किस में पुट करना है, e टू द पावर पी डी एक्स इक्वेशन वन में इंटू डी वाई बाई डी एक्स और प्लस पी वाई तो रहेगा ही रहेगा इंटू ई की पावर पी डी एक्स इज इक्वल टू क्यू इंटू ई की पावर पी डी एक्स। क्लियर हो गया, नेक्स्ट पेज में मैं इसको बता रहा हूं आपको, जरा ध्यान दीजिएगा हमने क्या लिखा, ई की पावर पी डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस, एक मिनट पीछे जाना पड़ेगा, पी इंटू आई, पी इंटू आई इंटू ई की पावर पी डी एक्स इज इक्वल टू क्यू ई की पावर पी डी एक्स, यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर है ये। जरा देखिए क्या ये प्रोडक्ट रूल में देखिए, फर्स्ट फंक्शन अगर ई टू द पावर पी डी एक्स को ले ले तो, और इसको वाई को सेकंड फंक्शन, तो क्या इसका प्रोडक्ट रूल में डिफरेंशिएशन नहीं है, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इज इक्वल टू दिस, तो मैं इसको लिख सकता हूं दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ किसके रिस्पेक्ट में, वाई का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है इज इक्वल टू क्यू इंटू ई की पावर पी डी एक्स। अब क्या करना है, अब ये जो फॉर्म आया हमारा इक्वेशन वन, इस फॉर्म को अब हमने क्या बना लिया है, दोनों साइड इंटीग्रेशन करना आसान है, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, जैसे इंटीग्रेट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन सिंबल बोथ साइड लगाएंगे, इसकी कहानी खत्म डी बाई डी एक्स की, यहां पे केवल और केवल आपका आएगा, ये केवल और केवल आपका आने वाला है y into e की पावर पी डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q e की पावर पी डी एक्स और प्लस ऑफ c कांस्टेंट तो आएगा ही आएगा आर्बिट्री कांस्टेंट, और इसी को इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोलते हैं, तो i y into if इज इक्वल टू q into if, क्लियर हुआ, प्लस into dx, ठीक है dx के रिस्पेक्ट में सॉरी, और प्लस ऑफ सी, यही फार्मूला हमारा जनरेट होके आया है, इसी को हमने बोला था लीनियर इक्वेशन का, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फार्मूला है q इंटू आई एफ इंटू डी एक्स प्लस ऑफ सी। समझ में आया, इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व होगा। आई हैव दैट की इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको कहां से समझ में आया और कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल सब क्लियर हो जाएगा। चलिए अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चन बताऊंगा, जो क्वेश्चंस हैं हमारे उस क्वेश्चन से आपको और क्लियर हो जाएगा।
जरा क्वेश्चंस की बात करते हैं. एक मिनट, कुछ क्वेश्चन इसमें लिखे गए हैं. अच्छा, y प्लस वन. चलिए देखिए, एक क्वेश्चन इसमें ये फोर मार्क 2013 जेई में भी आया है. 2000 जेई मेंस के एग्जाम में आया है, IIT-JEE के मेंस एग्जाम में और CBSE बोर्ड के एग्जाम में आ सकता है, एक्सपेक्टेड है. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व. ठीक है, जरा देखिए, रब करता हूं इसको, अरे इरेजर. ठीक है, इक्वल टू, इसके इक्वल क्या आएगा, ये क्वेश्चन है हमारा. ठीक है, क्वेश्चन ये है हमारा कि 2 + sin 2 + ये क्या होगा, ब्लैक. ठीक है, ये 2 + sin x dy/dx + y + 1 × cos x = 0, तो कह रहा है इसकी वैल्यू क्या होगी. क्लियर, जरा ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं छोटा कर दूं. ठीक है, आप लोगों को दिख रहा है ये क्वेश्चन. क्वेश्चन ये है कि इफ 2 + sin x dy/dx + y + 1 × cos x = 0, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस. इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू, एक मिनट. ठीक है, यहां पर देखिए, इसमें ये गिवन है, ये गिवन डाटा है 2 + sin x (differentiation of y with respect to the x) + y + 1 × cos x = 0, Where y is 0 is equal to 1, यानी x की वैल्यू 0 पुट करने पे y की वैल्यू 1 आती है. तो y पाई बाई 2 की वैल्यू निकालनी थी. ये 2013 IIT-JEE मेंस में ये क्वेश्चन आया हुआ था और 2011 CBSE बोर्ड में 6 मार्क्स का क्वेश्चन था. तो इस पे डिस्कस करते हैं हम. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेक डिफरेंशियल इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ dy/dx ((PY)) = q, और p और q दोनों फंक्शन x के हैं, तो हमें इसको x का फंक्शन बनाना होगा. तो 2 + sin x, देखिए यहां पे dy/dx का कोफिशिएंट 1 है, हमको इसका कोफिशिएंट 1 बनाना है. कैसे बनाएंगे, 2 + sin x से बोथ साइड डिवाइड कर दें. डिवाइडिंग 2 + sin x बोथ साइड तो हो जाएगा आपका dy/dx, और ये 2 + sin x कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया आपका y + 1 / 2 + sin x (cos x) = 0. अब ध्यान दीजिए, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो dy/dx आ गया है, बहुत आसान क्वेश्चन है. y × cos x (-cos x) / 2 + sin x. क्या किया मैंने, cos x के यहां मल्टीप्लाई किया, cos x / 2 + sin x ट्रांसपोज कर दिया, ये वैल्यू आ गई. क्लियर हो गया. अब ध्यान दीजिए, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, इसको मैं छोटा कर दे रहा हूं. ठीक है, अब देखिए, ये वैल्यू आपकी आ गई है, ओके, तो ये वैल्यू आ गई आपकी dy/dx + y (cos x) / 2 + sin x (-cos x) / 2 + sin x. जरा इस क्वेश्चन को देखिए, इस एक्सप्रेशन को कंपेयर करिए इससे. डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू द x प्लस p इंटू y इज इक्वल टू q, तो यहाँ पे p की जगह पे वैल्यू आ गई क्या, y ऑलरेडी बचा हुआ है, तो यहाँ पे y को छोड़कर cos x / 2 + sin x, तो यहां से इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका if इज इक्वल टू आया e^(cos x/2 + sin x)(dx). अब जरा इसका इंटीग्रेशन करिए, तो अगर इसको हम t सपोज करेंगे तो 2 का डिफरेंशिएशन 0, sin x का आ जाएगा cos x (dx), यानी सीधे सीधे हमारा आ गया t तो log 2 + sin x, और e^log 2 + sin x आया. तो मुझे लगता है ये e^log, इसकी भी कहानी खत्म, सीधे सीधे आ गया 2 + sin x. इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमने क्या निकाल लिया, e^log का मतलब क्या, कहानी खत्म, 2 + sin x,
if is equal to हमने निकाल रखा है 2 plus sin x. Now this is put in this expression. किस में करेंगे? ये मैं आगे put कर रहा हूँ. हम क्या करते हैं? Y into if is equal to integration q into if plus of c. तो y की value y रहेगी, if की value y है 2 plus sin x और is equal to q. q की value क्या थी जरा देखिए यहाँ, sorry, q की value थी minus cos x upon 2 plus sin x. ठीक है, तो ये आएगा minus cos x upon 2 plus sin x. q की value है, ध्यान दीजिएगा मैंने previous page से लिखा है q की value है, ठीक है, into if की value 2 plus sin x, 2 plus sin x plus of c, ये cancel out हो गया और ये आ गया आपका y into 2 plus sin x. ठीक, 2 plus sin x is equal to minus cos x dx plus c. क्लियर हो गया? Cos x का इंटीग्रेशन आप जानते ही हो, sin x, तो आपकी ये वैल्यू आ गई y into 2 plus sin x is equal to sin x sin x plus c. और बस अब आगे कुछ नहीं रह गया, आगे आप अपने से करोगे. क्या करोगे? कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन पे जाओ. जो ये वैल्यू आई है, क्या क्वेश्चन बोला गया है, क्वेश्चन जरा ध्यान दीजिएगा. क्वेश्चन ये था आपका, कहां चला गया क्वेश्चन? अरे क्वेश्चन कहां गया? एक मिनट, क्वेश्चन ये था, चलिए कोई नहीं, क्वेश्चन नहीं दिख रहा है. ठीक है, क्वेश्चन ये था. ठीक है, हाँ, यहां पर कि अगर इसको थोड़ा सा जूम कर दूं, ये था कि अगर इसमें y की वैल्यू x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो y 1 हो रहा है, तो x की वैल्यू पाई बाय 2 पुट करने से क्या होगा. तो ठीक, मैं क्वेश्चन पे आता हूं. ये आपका सलूशन आया हुआ है. ठीक, सलूशन क्या था? हाँ, यहां पर अगर x की वैल्यू 0 पुट कर दिया जाए, पुट x is equal to 0, क्योंकि यहां पे गिवन था y 0 is equal to 1, तो फाइंड आउट द y पाई बाय 2, इसकी वैल्यू निकालनी थी. कुछ नहीं करना है, यहां पर x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये 0 और यहां पे आ जाएगा 2 into y, और sin 0 की वैल्यू 0, c की वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू 1, c की वैल्यू आ जाएगी यहां से, तो c is equal to 2i, तो c is equal to हो जाएगा आपका 2 into 1, c की वैल्यू उठा के यहां पे 2 पुट कर दीजिए बस, और यहां पे इसकी वैल्यू x की जगह पाई बाय 2, x की वैल्यू पाई बाय 2 पुट करेंगे तो आपका ये आ जाएगा, ब्लू कलर से यहां पे लिख दे रहा हूं. ठीक है, y की वैल्यू आएगी y into 2 plus sin pi by 2 की वैल्यू 1, 3 is equal to minus 1 plus 2, बस सॉल्व कर लीजिए. दिस इज योर फाइनल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. तो आज के लिए बस इतना ही काफी है, बस बढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए. नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के केवल क्वेश्चन सेशन कम से कम 40 मिनट का करवाऊंगा, जो प्रीवियस ईयर में और आने वाले नेक्स्ट ईयर एक्सपेक्टेड रहेंगे इस वाले पेपर में जो आएंगे. बस धन्यवाद, गुड नाइट.